नमस्कार बच्चों। चलिए बच्चों, आज हम आपको 10th का आपका रिजल्ट आ गया है और आप सभी पास हो गए हो। इसके लिए आपको एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। सर, 10th क्लास एग्जाम पास होने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो? नाउ इन क्लास 11th, अब क्या करें, कौन सी स्ट्रीम चुनें, आगे कैरियर कैसे बनाएं? ठीक है बच्चों, यहां से देखिए बच्चों, अगर आपके पास, यहां देखो बच्चों, कॉमर्स कैसे मिलेगी? अगर आपके मार्क्स 60% से ज्यादा हैं 10th क्लास में, अगर आपके मार्क्स 60% से ज्यादा हैं 10th क्लास में, तो आपने दो चीज चुनी होंगी। आपने जब आपने फॉर्म भरा होगा 10th क्लास का, एक स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ। अगर आपके पास 10th में स्टैंडर्ड मैथ थी, तब आपको कॉमर्स विद मैथ मिलेगी, और अगर आपके पास 10th में बेसिक मैथ थी, तब भी आपको कॉमर्स मिलेगी। अगर आपके पास बेसिक मैथ है, अगर आपके पास बच्चों बेसिक मैथ है, तब भी आपको कॉमर्स मिलेगी। समझ में आ रही बच्चों? लेकिन विदाउट मैथ, मतलब फिर मैथ आपको नहीं मिलेगी। कॉमर्स तो मिलेगी लेकिन विदाउट मैथ मिलेगी। अब बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर जी, कॉमर्स विदाउट मैथ का क्या फायदा है? तो ये बात जान लो, कॉमर्स विद मैथ से जो कोर्स होते हैं, वह सभी कोर्स कॉमर्स विदाउट मैथ से भी होते हैं। ये बस आपके दिमाग में एक भ्रम है, दिमागी टेंशन घूम रही है, क्या लें, कॉमर्स लें ना लें? विद मैथ और विदाउट मैथ दोनों में सेम स्कोप है, 1% भी स्कोप का अंतर नहीं है। समझ में आ रही बच्चों? अगर कोई बोले कि कॉमर्स विदाउट मैथ से ये नहीं होगा, तो आप गूगल से सर्च कर लो, वह आपको सच पता चल जाएगा। हम आप लोगों को सीए बनाएंगे, सीएस बनाएंगे, सीएमए बनाएंगे, कॉमर्स विदाउट मैथ हो तब भी और कॉमर्स विद मैथ हो तब भी। मतलब कहने का मतलब है, अगर आप मैथ है और आपके पास कॉमर्स में मैथ नहीं है, तब भी आप ये सारी चीजें कर सकते हो, सीए कर सकते हो, सीएमए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो। समझ वाली बच्चों? तब भी आप ये सब कोर्स कर सकते हो, और अगर विद मैथ हो तब भी, अगर आप विद मैथ है तब भी कर सकते हो। पहले तो ट्राई करो कि आपको आपके स्कूल में मैथ मिल जाए, एडमिशन में मिल जाए, अगर ना मिले तो कॉमर्स विदाउट मैथ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। चलिए बच्चों, मैं आपको और आगे बताता हूं कि आफ्टर 12th कॉमर्स, जब आपकी 12th हो जाएगी, जब आप 12वीं पास कर लोगे बच्चों, तो आप क्या क्या कोर्स कर सकते हो? बच्चों, आप सीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, सीएमए कर सकते हो, ACCA कर सकते हो, ACCA कर सकते हो। सर जी, ये क्या है? ये तो बड़ा कठिन वर्ड है। सर जी, आप सीए तो, एक सीए तो इंडिया का सीए है। आप ये करने के बाद, ACCA करने के बाद, आप 52 देश के सीए बन जाओगे। आपको इंग्लैंड में, अमेरिका में, दुबई में, जापान में, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में आप जॉब कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, बैंक मैनेजर बन सकते हो, इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो। समझ में आ रही बच्चों? और सर जी, क्या कर सकते हैं हम? अगर मैं इतने बड़े बड़े कोर्स ना करूं 12वीं के बाद, मैं तो बहुत गरीब बच्चा हूं। सर जी, मेरे पिताजी रिक्शा चलाते हैं, बेचारे पे पैसे नहीं है सर जी, रोटी खाने के पैसे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। जब पैसा, जब जॉब कर लेना, तो छोटे मोटे कोर्स कर लो। सर जी, छोटे मोटे कोर्स कौन से कर सकते हो आप? सर जी, BCom कर सकते हो, सर जी BBA कर सकते हो, BBE कर सकते हो, BCA कर सकते हो। जब ये तीन डिग्रियां आप कर सकते, आपका मन कर रहा है कि मैं BCom करनी है, मुझे BBA करनी है, BBE करनी है, ये तीनों होने के बाद आप MCom कर सकते हो। जब ये तीनों चीज़ हो जाएगी, फिर आप MCom कर सकते हो, आप MBA कर सकते हो। आपको जब ये चीज़ कर लोगे आप, तो आपको जॉब मिलेगी इन MNC में। कहाँ मिलेगी? मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनी होती है जिसका जन्म कहाँ हुआ हो? विदेश में। कहाँ हुआ हो जन्म? विदेश में, लेकिन रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ हो? इंडिया में। समझ में आ रही बच्चों? जॉब इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आप किसी भी डिपार्टमेंट में कर सकते हो, जॉब इन बैंक में कर सकते हो,
प्रोफेसर इन कॉलेज, आप कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हो। जॉब इन दिल्ली पुलिस, आप दिल्ली पुलिस में जॉब कर सकते हो क्योंकि आपने पोस्ट ग्रेजुएट हो। आपको SHO भी बन सकते हो, आप AC भी बन सकते हो, DC भी बन सकते हो। BCA करना चाहते हो आप, फिर उसके बाद MCA का करोगे, BCA के बाद MCA कर सकते हो। जब आप BCA करोगे 12वीं के बाद, फिर आपको जॉब कहाँ मिलेगी? जॉब इन IT सेक्टर में। जॉब कहाँ मिलेगी? IT सेक्टर में, लाइक माइक्रोसॉफ्ट और गूगल से मिलेगी। समझ मारिए। चलिए बच्चों, मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ इनकी सैलरी पैकेज के बारे में बताता हूँ कि आखिर CA की वैल्यू क्या है। सर जी, CA की वैल्यू क्या है ना, अगर जिस बैलेंस शीट पर CA साइन कर दे तो राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है उसकी बैलेंस शीट को कैंसिल करने का। 1-1 करोड़ रुपए ऐसे ऐसे CA हैं, जो बड़ी बड़ी MNC है, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो 1-1 करोड़ रुपए CA की को देती हैं। एक जो ऐसे ऐसे CA भी हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, 5-5 करोड़ रुपए महीने कमा लेते हैं। सर जी, सिर्फ साइन करने होते हैं। CA बनने के बाद कोई ये नहीं है कि कोई नौकरी करनी है, बस साइन की वैल्यू होती है CA की। समझ में आई बच्चों? और आपको विदेशों में भी जॉब मिल जाती है, आपको विदेशों में भी जॉब मिल जाती है। इसके बाद मैं आता हूँ, बताता हूँ बच्चों आपको ये क्या होता है। एक होता है MBA, MBA बहुत बड़ी चीज़ है। एक होता है MBA, अगर आपने BCOM करने के बाद आप MBA करना चाहते हो, बच्चे BCA के बाद भी कर लेते हैं MBA। सर जी, आपको सिर्फ एक CAT का एग्जाम पास करना है, कोई बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है। CAT का एग्जाम पास करने के बाद आप IIM अहमदाबाद और बंगलोर से आप MBA कीजिए, आपको 2-2 करोड़ रुपए का पैकेज मिलेगा। 2-2 करोड़ रुपए का पैकेज, क्या बात कर रहे हो सर जी? हाँ जी, बंगलोर से MBA करने का मतलब है आपको 1 करोड़ तो मिलनी है सैलरी। आपको सैलरी पैकेज है, और आप बैंक मैनेजर भी बन सकते हो। सिर्फ सर जी 10 बजे जाना है, 4 बजे छुट्टी हो जानी है, 5 दिन जाना है, आप बैंक मैनेजर बन सकते हो। आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो। सर जी आपको पता है इनकम टैक्स ऑफिसर की सैलरी बहुत है, इज्जत तो खैर है ही है। आपने एक फिल्म देखी होगी अजय देवगन की, रेड फिल्म, आप देखना। सर जी इनकम टैक्स ऑफिसर की वैल्यू पता लग जाएगी। सर जी लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आप रिश्वत मत लेना, आप मेरे स्टूडेंट बन हो, जिंदगी में याद रखना बच्चों, कभी जीवन में रिश्वत मत लेना 1 रुपये की भी। चाहे आप कितना भी बड़े आदमी बन जाओ, सर जी हमें रिश्वत नहीं लेनी है। बट आपकी वैल्यू, आपका कोई भी मंत्री या संतरी आपको हाथ नहीं डाल सकता। ये वैल्यू होती है इनकम टैक्स ऑफिसर की। ठीक है बच्चों, और बहुत सारे हैं। ये दिल्ली पुलिस में बताया था SHO की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है ACP DCP की वैल्यू क्या होती है। सर जी बहुत अच्छा सैलरी पैकेज होता है। सर जी मैन तो इज्जत होती है। सर इज्जत से पैसा सब कुछ नहीं है दुनिया में बच्चों। सर जो नाम पैसा कोई साथ में ले गया, पैसा कोई भी व्यक्ति साथ में ले, धीरू भाई अंबानी जब मरे थे क्या अपने साथ में लेकर गए थे पैसे को? नहीं सर। सर इज्जत कमाओ, तो अगर जिंदगी में कुछ कमाना है, जैसे CA बन गए आप, सर जी कुछ नहीं करना, CA का साइन की वैल्यू बस खत्म, कहानी, पूरे दिन AC में बैठना है। सर रेपो है, रेपुटेशन है आपकी। SHO ACP DCP बन सकते हो आप, चाहे आपका कॉमर्स है, कॉमर्स के साथ मैथ है या विदाउट मैथ है, इस बात से कोई मतलब नहीं होता। आप सोच रहे हो जी कॉमर्स में विद मैथ है विदाउट मैथ है या नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है सर जी। आप बस पास करो एग्जाम, BCOM करो, MCOM करो, आप सब कुछ बच्चों। और बच्चों आगे देखिए, ये हमारे चेतना मैडम जी हैं, ये आपको बिजनेस स्टडी पढ़ाएंगी, बहुत अच्छी मैडम है ये। सर जी इनकी क्वालिफिकेशन सुन लोगे तो आप कहोगे कि अच्छा जी एक छोटे से एक गांव में इतने बड़े बड़े क्वालिफाइड टीचर पढ़ाते हैं। ये MCOM है और ये परसुइंग PhD के हैं, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। ये हमारे ग्रेट राजन सर, इनका तो सर जी जवाब ही नहीं सर। ये मैथमेटिक्स के प्रकांड पंडित बोलते हैं, बच्चे इनको पंडित के नाम से जानते हैं, ग्रेट राजन सर। सर इनके इनके बारे में तो वर्ड कम पड़ जाते हैं बोलने के लिए।
ये मैं आपके सामने छोटा सा राजीव जैन सर हूं, मैं एम कॉम सी ए फाइनलिस्ट सी एस आपके सामने मौजूद हैं। मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ बोलने के लिए मजबूर हूं। मैं जैन स्कूल में एच ओ डी रह चुका हूं, मैं एक्स एच ओ डी हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन कॉमर्स था जैन स्कूल दरियागंज में, और ये हमारे मेरा बच्चा है, ये प्रथम सर मेरा बच्चा है, ये एम ए इकोनॉमिक्स। सर जी इनका तो बात ही अलग है सर, ये तो ग्रेट हैं इकोनॉमिक्स में। सर जी इनके बच्चों के जो मार्क्स देखोगे तो बस पूछो मत, 98 पर, मतलब पूरा पोस्टर भर जाता है एक ही अटेम्प्ट में। मतलब कहने का तात्पर्य इनसे पढ़ने का मतलब है, इनको पढ़ने का मतलब किसी भी बच्चे के 90% से तो कम नंबर आ ही नहीं सकते, ये मैं ले रहा हूँ दावा, मेरी गारंटी है। और ये हमारे राकेश सर, इनको 20 साल हो गए, ये इंग्लिश एसएसटी भी पढ़ाते हैं 10th क्लास में, ये इंग्लिश एसएसटी भी पढ़ाते हैं 10th क्लास में, ये राकेश सर जी हैं, बहुत बढ़िया मास्टर हैं इंग्लिश के और एसएसटी के। सर जी अभी पिछले साल ही इनके एसएसटी में एक बच्चे के आकाश के 100 मार्क्स आए थे 10th क्लास में, और एक बच्चे के 99 तृप्ति गर्ग, आज वो 12th में हैं। दोनों बच्चे एसएसटी में आए थे, इंग्लिश में 95 से अबव तो मार्क्स आते ही नहीं कम इनके पढ़ाई में, ये इतने ग्रेट मास्टर हैं इंग्लिश के। चलिए बच्चों इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।